Hey guys, my name is Kunal. I'm a business coach, public speaker and digital marketer. So guys, आज हम बात करने वाले हैं InMobi platform के बारे में. InMobi platform क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्यों वो AdMob से better है या उससे वो कम better है, क्यों लोग उसको ज़्यादा use करते हैं और कैसे वो इतना बड़ा unicorn startup बना. तो आज उसके business model के बारे में पूरे अच्छे से बात करेंगे और उसके जो features हैं उसके बारे में बात करेंगे जो कि कोई भी नहीं दे रहा है, और उसके जो इनसाइट्स के जो उसके और काफ़ी सारे फीचर्स हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि InMobi प्लेटफॉर्म है क्या, काम किस तरीके से करता है और कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट करा था. तो InMobi प्लेटफॉर्म गाइज एक मोबाइल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, मोबाइल एड नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मोबाइल्स के ऊपर ज़्यादा एड चलती हैं, लाइक ऐप्स हो गया या मोबाइल ऐड जितनी भी होती हैं ऐप्स की हो गई या जो ब्राउजर्स के अंदर ऐड आती हैं, यूसी ब्राउजर वगैरह अभी तो चलो बैन हो चुके हैं, या जो इस तरह के जो लोकल ब्राउजर्स हैं उनके अंदर जो एड्स आती हैं, मोबाइल एड्स आती हैं, तो ये उनके ऊपर काम करता है. तो ये काम किस तरीके से करता है कि मान लीजिए मैं एक ऐप डेवलपर हूँ, आप हो एक InMobi के जो कि फाउंडर, मैं मान के चलता हूँ आप InMobi के फाउंडर हो, और एक थर्ड पर्सन है जो कि एक मार्केटर है जिसको अपनी क्लाइंट की या जिसको अपने क्लाइंट की या अपनी एडवर्टाइजमेंट करवानी है. तो वो क्या करेगा, पहले क्या होता था कि वो सीधा मेरे से कॉन्टैक्ट करता था, उसमें टाइम लगता था, उसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, मैं उसको अच्छे से डेटा जो होता है उसको मैं वो प्रोवाइड नहीं कर पाता था या उसको मैं फेक डेटा दे सकता था, इस तरीके के फ्रॉड होते थे. तो उसके बाद कंसेप्ट आता है थर्ड पार्टी पर्सन का जो कि होता है एड नेटवर्क जो कि है InMobi. तो InMobi क्या करता है कि जो ऐप डेवलपर है उसको अपने साथ ऑपरेट करवाता है, अपने साथ साइनअप करवाता है, अपना पार्टनर बनवाता है, और जो थर्ड पर्सन है जिसको एड चलवानी है उसको वो वहाँ पे आता है, उसको यूज़ करता है एड रन करने के लिए. आप InMobi का फाउंडर हो, मैं हूँ जिसको एड रन करनी है, और ये है जो कि ऐप डेवलपर है. तो हम दोनों क्या करेंगे, आपका प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे, आप इसकी ऐप आपके प्लेटफॉर्म के अंदर रजिस्टर है, मैं मार्केटर हूँ मुझे एड रन करनी है, मैं डायरेक्ट इससे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, मैं आपके थ्रू इनकी ऐप पे एड रन करूँगा इंटरेस्ट बेस के ऊपर. ओके, तो इस तरीके से ये पैसे कमाता है. अब हम बात कर लेते हैं इसके फाउंडर्स के बारे में और ये कब फाउंड हुआ था. तो मेरे पास पूरी प्रेजेंटेशन है, हम इसके ऊपर देख के चलते हैं क्योंकि ये कोई मनगढ़ंत कोई वो चीज़ नहीं है, जो फैक्ट है वो फैक्ट रहेगा. तो ये कंपनी गाइस फाउंड हुई थी, ये कंपनी एड नेटवर्क से पहले ये एक SMS मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म था. इनका जो फाउंडर है जिनका नाम है नवीन तिवारी, उनके माइंड में पहले था कि हम इसको SMS प्लेटफॉर्म बनाते हैं. तो SMS प्लेटफॉर्म का थ्रोबैक क्या था कि वो ज़्यादा स्केल नहीं हो सकता था, सिर्फ वो SMS के अंदर ही रह सकता था. तो ये 2007 के अंदर इन्होंने जो एम खोज के नाम से कंपनी स्टार्ट करी जो कि SMS प्लेटफॉर्म था. उसके बाद 2008 में इन्होंने पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही चेंज कर दिया, इन्होंने ये एड नेटवर्क का आइडिया चूज करा. तो उसके साथ इनके तीन पार्टनर्स ओनर हैं जिनके मैं नाम लेता हूँ, जो कि मोहित सक्सेना, अमित गुप्ता एंड अभय सिंघल, जो कि ये इनके MBA के दोस्त थे. अब इनकी पर्सनल लाइफ में जाते हैं. नवीन तिवारी की ये कानपुर से हैं, इन्होंने अपने इनके जो फादर हैं वो IIT कानपुर के अंदर प्रोफेसर थे, और इन्होंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अपना बैचलर्स करा था IIT कानपुर के अंदर. उसके बाद इन्होंने मैकेंसीज के अंदर जॉब करी 2 साल के लिए, और उसके बाद ये MBA करने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गए, और वहाँ पे इनको अपने तीनों फाउंडर्स मिले, और ये काफ़ी स्टडी के अंदर काफ़ी अच्छे थे इसलिए MBA वहाँ पे करने गए, और इनको वहाँ पे लीडरशिप के काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले. जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर तो काफ़ी सारे अवार्ड्स मिलते हैं इनको, जैसे कि जो लीडरशिप के जो कॉम्पिटिशन चलते हैं या उस तरह के कुछ भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो इनको लीडरशिप का अवार्ड मिला था वहाँ पे. तो वहाँ पे इनको अपने बाकी के पार्टनर्स मिलते हैं. अब बाकी के पार्टनर्स मिलकर क्या करते हैं, पहले काफ़ी अच्छे दोस्त बनते हैं वहाँ पे, कुछ और भी काम छोटा मोटा बिजनेस ट्राई करते हैं. तो वहाँ पे फिर ये वापस इंडिया आते हैं और ये सोचते हैं कि हमें इंडिया जाके कोई बिजनेस करना है. तो चारों के चारे जो पार्टनर्स हैं जो कि फाउंडर्स हैं, तो वहाँ पे ये वापस इंडिया आते हैं यहाँ पर, और ये अपना SMS प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते हैं जो कि एम खोज के नाम से जैसे मैंने बताया. तो वहाँ पे इनको इतनी स्केलेबिलिटी नज़र नहीं आती उसके अंदर कि हम इसको कितना स्केल कर लेंगे SMS का. एक टाइम ऐसा भी आने वाला है कि हर एक इंसान के जेब के अंदर ऐसी एप्लीकेशन होगी जो कि SMS मार्केटिंग का कर रही होगी. तो वो इतना स्केलेबल नहीं था और इजी टू कॉपी था वो आइडिया. ओके, तो अब एड नेटवर्क इजी टू कॉपी नहीं है, लाइक लोग कर सकते हैं लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी मेहनत लगती है एड नेटवर्क बनाने में. तो इन्होंने वो चूज़ करा और काफ़ी टाइम तक वो चलता रहा. 3-4 मंथ्स के अंदर इन्होंने मुंबई के अंदर इनका हेडक्वार्टर्स था, तो 4-5 मंथ्स के अंदर इन्होंने अपने पैसों से इसको ऑपरेट करा. एक टाइम ऐसा आया कि जब इनके पास पूरे के पूरे अपने पैसे खत्म हो गए, फंड्स खत्म हो गए, जितने भी इंप्लॉइज इनके साथ काम कर रहे थे ये सभी उनके पैसों के ऊपर अपना ऑफिस रन करने लगे. सारी की सारी मैनेजमेंट की टीम मिलके इस ऑफिस को रन कर रही थी, लेकिन फिर भी एक टाइम ऐसा आया कि सभी के पास फंड्स खत्म हो गए. तो कंपनी बिल्कुल बंद होने के तादाद पे आ चुकी थी, कंपनी बिल्कुल बंद होने वाली थी, और वैसे ही इनको एक
एंजल इन्वेस्टर से इनको फंडिंग मिलती है $5 लाख की, ओके तो वहां से इनको अच्छी खासी हेल्प हो जाती है अपना बिजनेस और स्केल करने में। तो अभी फंडिंग के ऊपर बाद में जाएंगे, अवार्ड्स के ऊपर बाद में जाएंगे, पहले हम इनका पूरा और डिस्कस कर लेते हैं बिजनेस मॉडल के बारे में। तो गाइज इनका जो मैंने बताया कि SMS से लेके एड नेटवर्क पे गए, मोबाइल एड नेटवर्क पे गए, उसके बाद गाइज उन्होंने नेटिव एड्स चलाना भी स्टार्ट कर दी, मतलब कि नेटिव एड्स का प्लेटफॉर्म भी अपना एक बिल्ड कर लिया। इन्होंने कंपनी एक्वायर करी जिसके थ्रू ये नेटिव एड्स का प्लेटफॉर्म इन्होंने अपना बना लिया। और उसके बाद क्या होता है कि जो कंपनी है इनके कुछ जो एड मोब कंपनी है जो कि गूगल ने एक्वायर करी हुई है एड मोब, वो भी सेम इसी तरीके से काम करती है। अब इन दोनों का अच्छा खासा कॉम्पिटिशन चलता है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे मैंने जितना मुझे रिसर्च करके पता चला कि सैमसंग है, एंटरप्रेन्योर्स मैगजीन है, बिजनेस इनसाइडर है, ये सारे के सारे गूगल ऐड को नहीं बल्कि इनको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत सारे ज़्यादा ऑप्शंस हैं इनसाइट्स के अंदर। अगर कोई इनके पास डेटा आता है तो डेटा के ज़्यादा ऑप्शंस देते हैं, टारगेटिंग के ज़्यादा ऑप्शंस देते हैं, इनका इंटरफेस बहुत अच्छा है। लाइक अगर कोई कंपनी गूगल है, गूगल की कंपनी काम कर रही है, तो वो टॉप लेवल नेक्स्ट लेवल कंपनी ही होगी, है ना, नेक्स्ट लेवल काम ही करेगा गूगल। लेकिन ये उनसे भी बेटर काम कर रहे हैं और ये उनका बहुत बड़ा कंपटीशन है ये। तो उसके बाद आता है 2011 में इनको अवार्ड मिलता है बेस्ट इंडियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप का, जिससे कि इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो और बढ़ जाती है और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इनको मिलते हैं। आगे फंडिंग की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे अच्छे लोगों से इनको फंडिंग मिली, बहुत अच्छी अच्छी फर्म्स इनको फंडिंग मिली, बात करते हैं। तो 2011 में इनको यूनिकॉर्न स्टार्टअप का अवार्ड मिला और उसके बाद क्या होता है कि इनका बिजनेस नेक्स्ट लेवल जाना स्टार्ट हो जाता है। पहले ये सिर्फ अपने एक स्टेट के अंदर काम कर रहे थे महाराष्ट्र के अंदर, फिर धीरे धीरे करते करते ये पूरे इंडिया के अंदर आए, फिर उसके बाद इंटरनेशनली काम करना स्टार्ट कर दिया। अब एडमोब का मार्केट शेयर थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करती है, ज़्यादा कंट्रीज के अंदर ऑपरेट नहीं करते हैं, मगर ये कि इनका जितने भी कंट्रीज के अंदर है वो उस कंट्री के अंदर एडमोब कम यूज़ होता है मोबाइल एड्स के लिए और इमो भी ज़्यादा यूज़ होता है। तो अभी हम बात करते हैं क्यों, अभी हम बात करते हैं क्यों यूज़ होता है। जैसे मैंने बताया कि इनका जो टारगेटिंग के ऑप्शंस हैं बहुत ज़्यादा हैं, डेटा ड्रिवन जो इनका जो डेटा इंसाइट्स निकलते हैं एड रन करने के बाद, जो डेटा हमारे पास आता है जिसको हम एनालाइज करके सेकंड एड बनाते हैं, जिसको हम कुछ सोच के उसके बाद कुछ काम करते हैं, तो वो इनके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं। मतलब कि इनका जो इंटरफेस है इनसाइट्स का वो बहुत ही अच्छा है, जो कि एड मॉब से भी अच्छा है। लोग इसलिए ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज इसलिए इसको यूज़ करना पसंद करती हैं। अभी एड मॉब भी अपडेट होना स्टार्ट कर गया है इसके ऊपर, वैसे ही फीचर्स लाने स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन ये है कि अगर मैं कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ तो मैं कंपनी स्विच नहीं करूँगा, खास करके जिनके बजट्स लाखों करोड़ों में होते हैं। अब एंटरप्रेन्योर्स मैगजीन है, क्या वो रोज़ का 500 रुपये बजट रखती होगी? दिन के उनके 5-5 लाख के बजट होते होंगे, इससे भी ज़्यादा होते होंगे, तो वो क्यों एक कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म के ऊपर है छोड़ के इसको यहाँ पे जाएंगे, है ना? तो उनको उनके ऊपर ट्रस्ट है, तो जो क्लाइंट बन गए वो तो बन गए। हाँ, इन फ्यूचर अगर ये कुछ नहीं अपडेट करते तो मे बी क्लाइंट जा भी सकता है, क्योंकि क्लाइंट को तो अच्छी सर्विस है, जहाँ से भी मिल रही है उसको। तो ये है कि इसलिए, तो मेन रीज़न ये है कि लोग इनके इनसाइट्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अच्छा डेटा मिलता है, अच्छा टारगेटिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। ये 200 से प्लस टारगेटिंग के ऑप्शन देते हैं, लाइक 200 से प्लस ऑप्शंस कैसे इंडस्ट्री वाइज, जैसे हेल्थ एंड फिटनेस एक अलग इंडस्ट्री होगी, एजुकेशन अलग इंडस्ट्री हो गई, या डॉक्टर्स की अलग इंडस्ट्री हो गई, या मोबाइल्स की अलग हो गई, टेक्नोलॉजी की अलग हो गई। तो इस तरह के 200 से भी ज़्यादा प्लस इनके पास टारगेटिंग के ऑप्शंस हैं, तो इस तरीके से ये टारगेटिंग करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं इनके फंडिंग के बारे में। तो मेरे लैपटॉप के अंदर हम देखते हैं, इतना ज़्यादा हम याद नहीं रख सकते। तो सबसे पहले फंडिंग मैंने बताया कि इनको मिलती है $5 लाख की, जब ये कंपनी बंद होने के तहत पे आ जाती है तो इनको एक एंजल इन्वेस्टर से $5 लाख की फंडिंग मिलती है। और नेक्स्ट इनको फंडिंग मिलती है 2008 के अंदर ए सीरीज के अंदर, जो कि 7 मिलियन की फंडिंग होती है। एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है जो इनको $7 मिलियन का फंड करती है, तो मतलब कि फंडिंग इनको अच्छी खासी मिल रही थी, तो इसी की वजह से ये इतना बड़ा कॉम्पिटिशन बन पाए गूगल का, वरना बिना पैसों की इतनी कंपनी स्केल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 2010 के अंदर इनको फंडिंग मिली सेम वही कंपनी से $10 मिलियन की। मतलब इनको पहले $7 मिलियन की फंडिंग मिली सेम कंपनी से, वेंचर कैपिटलिस्ट से, फिर सेम कंपनी ने 2010 के अंदर इनको 10 मिलियन की फंडिंग मिली, इनको 10 मिलियन उन्होंने इनकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करी। तो नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं 2011 के अंदर, जहाँ पे बात आती है सॉफ्ट बैंक की। लाइक सॉफ्ट बैंक आपको पता होगा कितनी बड़ा बैंक है, जो कि इन्वेस्टर्स के अंदर, जो कि स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर उसने अगर इस कंपनी के अंदर स्टार्टअप के अंदर इतना इन्वेस्ट करा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना इसके अंदर। इतनी बड़ी फंडिंग, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं करता बिना वजह के, जहाँ पे उसको प्रॉफिट ही ना दिखे, राइट? तो उन्होंने कितने करे, $200 मिलियन उन्होंने 2011 के अंदर इन्वेस्ट करे इन मोबी के अंदर। नेक्स्ट फिर से सॉफ्ट बैंक 2014 के अंदर
5 मिलियन इनके अंदर इन्वेस्ट करता है, और उसके बाद आता है एक प्राइवेट कंपनी आती है जिसका इन्होंने नाम डिस्क्लोज नहीं करा, वो इनको देती है 100 मिलियन की फंडिंग। लाइक जहाँ तक मुझे देखने को मिला ये फ्लिपकार्ट जैसा कुछ ऐसा लग रहा था कि फ्लिपकार्ट ने इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करी है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ किन्होंने करी है। कोई ये वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म भी हो सकती है, कोई स्टार्टअप भी हो सकता है, कोई पर्सनल इन्वेस्टर भी हो सकता है। तो ये इनकी फंडिंग न्यूज रही है। अभी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी कंपनीज को एक्वायर करा। तो सबसे पहले यूएस बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है, एडवर्टाइजमेंट का प्लेटफॉर्म है जिसको एक्वायर करते हैं यूएस के अंदर, ताकि अपनी ऑपरेशन यूएस के अंदर भी चला सकें। तो वहाँ पर सबसे पहले एक्वायर करते हैं यूएस बेस्ड एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म को। सेकेंड एक्वायर करते हैं MMTG जो कि एक MMTG लैब्स कंपनी है, ये उसको स्टार्टअप को एक्वायर करते हैं। थर्ड एक कंपनी एक्वायर करते हैं मेटाफ्लो सॉल्यूशंस जो कि एक ऐप मैनेजमेंट कंपनी है। जैसे कि बताया कि ऐप ओनर्स होते हैं, जो ऐप के फाउंडर्स होते हैं वो इन पे जाकर रजिस्टर करते हैं, और जो मार्केटिंग करने वाला इंसान है वो वहाँ पे आता है ऐड रन करने के लिए। तो इनको एक ऐप मैनेजमेंट की भी कंपनी चाहिए थी, तो ये ऐप मैनेजमेंट कंपनी को भी एक्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट ये एरसब कंपनी करके एक नाम है जो कि वीडियो प्लेटफॉर्म है, जो कि इनको आगे वीडियो की भी ऐड रन करनी होगी, कुछ इस तरह का ये प्लानिंग कर रहे होंगे। तो उसको $90 मिलियन के अंदर उसको एक्वायर करते हैं, अभी तक की सबसे बड़ी इनकी जो एक्विजिशन है। तो $90 मिलियन बहुत होते हैं, अगर इन्होंने इतने इन्वेस्ट करे हैं तो कुछ ना कुछ तो माइंड के अंदर बड़ी गेम चल रही होगी, राइट। तो ये $90 मिलियन के अंदर उसको एक्वायर करते हैं। और नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं एक लास्ट कंपनी के बारे में जो कि इन्होंने एक्वायर करी, जिसका नाम है एस ग्लैंस, जो कि मैंने बताया कि आपको नेटिव एड्स ही अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एस ग्लैंस के थ्रू ही अपना नेटिव एड्स का जो प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा वहाँ पे रन करते हैं। ओके, तो ये थी इनकी फंडिंग के बारे में और इनकी जो कि कंपनीज उन्होंने एक्वायर करी उसके बारे में, जो कि पूरी की पूरी आपको न्यूज़ थी। ये न्यूज़ ही होती है, इसके अंदर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये फैक्ट है, ये फैक्ट ही रहेंगे पूरे के पूरे केस स्टडी के अंदर। तो अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, तो अभी अगर एक कंपनी है तो हमेशा वो ऐसे तो ग्रो नहीं करेगी, डाउन तो आएगी आएगी, ऑब्वियसली डाउन अप चलते रहते हैं। तो ये कंपनी को अच्छी खासी फंडिंग मिल रही थी, कंपनी से एक्वायर भी कर रही थी, यूजर नेटवर्क अच्छा बन चुका था, क्लाइंट बड़े बड़े सैमसंग जैसे क्लाइंट इनके पास बन चुके थे। तो अब इसके बाद क्रिटिसिज्म भी स्टार्ट होता है कि कई जो ऐप ओनर्स हैं, जो कई बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं जिनके मतलब कि ऐप के ऊपर काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आता है, तो वो क्या करते हैं कि इनके ऊपर काफ़ी सारे क्लेम्स लगाते हैं कि ये हमारे पैसे वापस नहीं देते, मतलब कि हमारे पैसे हमको टाइम पे नहीं देते या हमारा बैलेंस होता है हमें देते ही नहीं है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी, मुझे बहुत फेक न्यूज़ लगी। अब इतनी बड़ी कंपनी है जिसके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग आई है, वो किसी के 4-5 लाख रुपए रख के क्या करेगी यार, 4-5 लाख तो बन भी नहीं सकते। अगर कोई ऐप है, अगर मेरा की वेबसाइट है, मेरी की ऐप है, अगर वहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है तो मैं मंथली कितना कमा लूँगा। अगर मिलियंस की ट्रैफिक भी है तो 40-50,000 प्लस 1 लाख के अंदर मैं मंथली कमा लूँगा, और उसके अंदर मुझे ऐप को भी देना है जो कि थर्ड पार्टी नेटवर्क है, मुझे इन मूवी को भी उसके अंदर पैसे देने, तो पूरे के पूरे मुझे तो मिलते ही नहीं है। तो जो गूगल आई थिंक 45-55% के ऊपर काम करती है कि थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं अपने पब्लिशर्स को, तो मान लीजिए 1 लाख का रेवेन्यू भी जनरेट हुआ तो पूरा पूरा 1 लाख तो उसको मिलता भी नहीं है। मान लीजिए 60% मिलता है जो कि 60,000 रुपीज़ हो गया, तो क्या इतनी बड़ी कंपनी 60,000 रुपये रखेगी किसी के? क्या वो अपना नाम खराब करेगी? क्या वो अपना लॉन्ग टर्म विजन खराब करेगी? इतनी मेहनत कर रही है वो कंपनी, क्यों अपनी ब्रांड वैल्यू खराब करेगी, है ना? अगर मुझे ऐसा कुछ होता है तो मैं अगर 100 लोगों को बताता हूँ तो मैं 100 जो मेरे लिंक में है वो भी मेरे ही लाइन के होंगे, तो क्या वो वहाँ पे जाकर रजिस्टर करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो वो अपना लॉन्ग टर्म सोच के चलती हैं, तो इस तरह की न्यूज़ फेक होती हैं। हाँ, एक न्यूज़ मुझे अच्छी लगी जो कि जेन्युइन लगी, वो क्या था कि एक क्लाइंट के उन्होंने बैलेंस दिया नहीं था, उसने स्क्रीनशॉट दिखाए, मे बी फेक भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो जेन्युइन लगा क्योंकि उन्होंने वहाँ पे रिस्पॉन्स करा था कि आगे से ऐसा नहीं होगा। वो क्या था कि एक जो कि पब्लिशर था, जो कि ऐप ओनर था, उसने कुछ गलत तरीके की एक्टिविटी करी वहाँ पे ऐप के अंदर, तो वहाँ से उन्होंने उसका बिना नोटिस के उसको ब्लॉक कर दिया, उसका काफ़ी सारा बैलेंस पेंडिंग था, उन्होंने उसको दिया भी नहीं वो वाला, बाद में उसको मिल गया, लेकिन वो उन्होंने क्लेम करा कि मुझे पैसे नहीं दे रहे। बट यहाँ की गलती किसकी है कि पब्लिशर की गलती है, उसने कुछ गलत एक्टिविटी करी इसलिए वहाँ पे उसने ब्लॉक कर दिया। तो उनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं एड मोब के अंदर, आप कुछ ना कुछ घपले वपले करके आप ऐड रन कर लेते हो किसी ना किसी तरीके की, लेकिन यहाँ पे वो आपको ऑप्शन ही नहीं मिलती है। यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं लिखा कि वार्निंग मिलेगी, ये मिलेगी, पहले ही पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है जहाँ पे उनको गड़बड़ देखिए हम आपकी ऐप को वहीं पे ब्लॉक कर देंगे, और जो आपकी जितनी भी पेमेंट होगी आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे, बिकॉज वो अलग तरीके से आई होते हैं, वो इलीगल तरीका भी कह सकते हैं या उनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है तरीका, उसके तरीके के खिलाफ भी वो पेमेंट आई होती है, इसीलिए वो पेमेंट नहीं देते। ओके, तो नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं कि कंपनी की एक और न्यूज़ आती है जिसके अंदर मीडिया बताती है कि ये कंपनी लॉस में है, ये प्रॉफिट में दिखा रही है, ये है वो है। यस, कंपनी लॉस में थी 2016 तक, कंपनी लॉस में थी क्योंकि तब तक वहाँ पे इतना ऑनलाइन का बूम चला नहीं था, अभी वो स्टार्ट चीज़ें हो रही थी। कंपनी 2008 के अंदर स्टार्ट हुई थी, 2016 तक कंपनी को फंडिंग मिलती थी, कंपनी काम करती थी, इतना प्लेटफॉर्म
बिल्ड करती रही। उसके बाद आता है जियो, तो जियो के आने के बाद तो सभी दरवाजे खुल गए यार। जियो ने जैसे एंट्री मारी सभी के सभी लोग डिजिटल 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 के ऊपर चले गए। तो वहाँ पे क्या इनको अच्छा खासा बूम मिला। और 2017 के अंदर ही जब बहुत सारे पब्लिशर्स जो कि इसके अंदर रजिस्टर करके मार्केटर्स आते हैं, ऐड रन करते हैं, ऐप के ऊपर ऐड शो होती है, तो इनको प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ। 2017-18 के अंदर ये प्रॉफिटेबल आ गए थे। तो अभी ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। 2016 तक कंपनी लॉस में थी। तो लोग अभी भी बोल रहे हैं, मैंने अभी 2020 की न्यूज़ चेक करी कि कंपनी लॉस में है। नहीं, कंपनी लॉस में नहीं है, मैंने अच्छे से रिसर्च करी है। हाँ, हो सकता है इन्होंने रिसर्च वो फेक भी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि कंपनी लॉस में नहीं हो सकती, अगर उनके पास इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, इतना यूज़र बेस है, इतना उनके वहाँ पर ट्रैफिक भी आ रहा है ना, तो कुछ अगर कन्वर्जन रेट निकाल के चले और बड़ी कंपनी से अगर एस्टिमेट लगा कर चले कि इतना ये बजट लगाती होगी, तो कंपनी लॉस में नहीं रह सकती। ओके, तो आज ये इनके 22 ऑफिस है, 5 कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करते हैं। तो काफ़ी अच्छी कंपनी लगी मुझे। इनमें भी एड मॉब से मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, सिर्फ और सिर्फ टारगेटिंग के ऊपर और इनसाइट्स के ऊपर। मुझे डेटा वापसी में ज़्यादा मिलता है मेरे क्लाइंट्स का, और मुझे टारगेटिंग के ऑप्शंस ज़्यादा मिलते हैं, जो कि मुझे एड मॉब के अंदर अभी इतने नहीं मिलते। हाँ, गूगल है, वो अपडेट करेगा, जरूर करेगा। तो अभी की बात करें तो इनमें भी बेस्ट है। ये फेसबुक और गूगल का कंपटीशन है, उनके साथ कम्पीट कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। इंडिया का प्राइवेट एक नेटवर्क है, इंडिया का एक फाउंडर्स है जो इनके इंडियन है, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करा है, जो कि गूगल और फेसबुक के साथ कंपटीशन कर रहा है। तो आई होप गाइज आपको मेरी केस स्टडी अच्छी लगी होगी, ये आपको रिसर्च अच्छी लगी होगी। मैंने ट्राई करा है कि ए टू जेड सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएँ, फंडिंग से लेके पर्सनल इनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे लेके, है ना, और जो इनके फाउंडर्स हैं, कब स्टार्ट हुई थी, पहले क्या हुआ था, कौन सी कंपनीज को एक्वायर करा इन्होंने, और क्या क्या क्रिटिसिज्म रहे, और किस किस तरीके से कंपनी डाउन गई, अप गई। तो मैंने हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करी है इसके अंदर। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, कुछ मैंने मिस कर दी हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताना, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा उसको पढ़ के, और मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको मैं इम्बेड कर सकूँ। ओके गाइस, चलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस साइड कुनाल, आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो।